दरगाहशिप के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं इमरान शमशाद वकील साहब, तो इनसे जानकारी जा रही है फसल के मेले में क्या क्या होता है और क्या करना चाहेंगे। फसल का मेला मेल मिलाप का है, त्यौहार मनाया जाता है, त्यौहार की शक्ल मिलते हैं, हर धर्म के लोग उसके मेले में आते हैं और आपकी भाईचारा आपकी मेल मिलाप के लिए यहाँ लोग खिचड़ी कोई बांटता है, कोई फल सब्जी चढ़ाता है, दरगाह जी की पूरी तैयारी हो गई है, साफ सफाई उसकी की पूरी तैयारी, हजारों जायरीन हर जिले से यहाँ आ चुके हैं, उनकी ठहरने की उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई है, अभी लोग आते जा रहे हैं, 16 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसमें सब्जियों की डाली, फलों की डाली और खिचड़ी सब बांटी जाती है, इंतजामिया कमेटी प्रोग्राम पेश करती है और गायरीन भी अपनी तरफ से मदद भी पेश करते हैं और मुल्क में अमन चैन और भाईचारगी की दुआ मांगी जाती है। इसी मेले में जेठ मेले की तारीख का ऐलान किया जाता है जो इस साल वही परसों ऐलान किया जाएगा। रजब के महीने में रजबी का मेला होता है, तो इस साल 24 फरवरी से लेकर और 1 मार्च से 14 रजब को उसका कार्यक्रम है, जो 27 चांद निकल आया, 27 फरवरी को 14 रजब का उस होगा। उसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम उसमें ये होता है, यहाँ जितने शहीद है सब लोग इकट्ठा होते हैं और उनके कुरान शरीफ की तिलावत होती है, उनके लिए उनको बख्शा जाता है, सभी अमन चैन के लिए दुआएं मांगी जाती है, सबकी तरक्की, जो लोग गाड़ी आते हैं उनकी भलाई, उनकी जो भी उनकी मुरादें हैं उनके लिए भी दुआएं होती हैं कि दुआएं उनकी पूरी हो ताकि वो अगले साल फिर आते रहें। दरगाह शरीफ के अंदर यहाँ पे वो लोग मंदिर मानते हैं, कौन कौन लोग उसके यहाँ सही जो है मुरादें पूरी होती हैं, जिसे बोले जाते हैं उस तरह के, उसके बारे में क्या कहेंगे। मुरादें हर तरह की यहाँ पूरी होती हैं और बसंत के मेले में जेठ के मेले में काफ़ी तादाद में घोड़ी के लोग गसल के पानी से जो नहाते हैं उसमें ये घोड़ी और सफ़ेद दाग वाले काफ़ी ठीक होते हैं और ये हर साल का कार्यक्रम होता है, हर साल लोग ठीक होते हैं। जी सर, चीफ शाही सेठ।